तो जैसे कि दोस्तों जानते ही होंगे कि NS200 का जो न्यू जनरेशन वाला मॉडल है ना, तो वो अभी बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाला है इस इंडियन मार्केट में। और उसको अभी कुछ ही समय पहले शोरूम के अंदर दिखा भी गया था और उसको मैंने दिखाया भी था आपको। तो जो भी है, लेकिन उस वाले मॉडल को देखते हुए बहुत सारे लोग अभी कुछ ऐसा ही बोल रहा है कि ये न्यू जनरेशन वाला RS200 कब तक आएगा, और आएगा भी या फिर नहीं। और इसके अलावा देखो गाइस, बहुत सारे कुछ रूमर्स भी सामने आए हैं जिसके अंदर कुछ यही बताया जा रहा है कि ये जो RS200 का न्यू जनरेशन है तो ये भी कुछ न्यू फीचर्स के साथ में बहुत जल्दी लॉन्च होगा। तो वीडियो का पूरा देखते रहना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इन सारा ही चीजों के बारे में बातें करने वाले हैं। तो मैं हूं अंकन कर्मकार, आप देख रहे हो कर्मकार अंकन ब्लॉग्स। तो वीडियो को पूरा देखते रहना, शुरू करते हैं आज के वीडियो। तो दोस्तों आप लोग को मैंने बताई दिया था कल के एक वीडियो के अंदर कि ये जो बजाज कंपनी है ना, तो इनका न्यू जनरेशन वाला बजाज पल्सर NS200 को दिखा गया है एक शोरूम पर इंडिया के ही। और उसके अंदर आपको एक USD सस्पेंशन सेटअप भी देखने को मिल रहा है, और उसके ही साथ साथ उसी वाले मॉडल के अंदर आपको एक मीटर कंसोल भी देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर आपको वो जो गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर है ना, तो वो भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत सारा कुछ चीजें ऐसे है जो की दिया गया है उसी न्यू वाले मॉडल में, लेकिन भाई वो वाला चीज को ही देखते हुए ना, मतलब उसी न्यू वाले मॉडल को ही देखते हुए ना, बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहा है कि जो बजाज का पल्सर RS200 वाला जो मॉडल है ना, तो इसका न्यू जनरेशन कब तक आएगा, या फिर वो वाला मॉडल क्या आएगा भी या फिर नहीं। तो देखो गाइस, अभी के डेट में ना रूमर कुछ ऐसा है कि ये जो बजाज पल्सर RS200 वाला जो मॉडल है, तो इसका भी एक न्यू जनरेशन वाला मॉडल आने वाला है। और इसी न्यू वाले मॉडल के ही अंदर आपको देखने को मिलने वाला है एक न्यू USD फोक्स, और उसके ही साथ साथ पीछे एक मोनोशॉक एब्जॉर्बर, मतलब सस्पेंशन सेटअप जो है ना, तो वो आज के डेट के जो 2023 वाला जो न्यू बजाज पल्सर NS200 है ना, तो उसके ही तरह है। और उसके ही साथ साथ अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं, तो पहले के तरह ही आपको देखने को मिलेगा न्यू जनरेशन वाले RS200 के अंदर आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट, मतलब डिस्क ब्रेक के साथ में। और उसके ही साथ साथ इसी न्यू वाले RS के भी अंदर आपको जो न्यू मीटर कंसोल देखने को मिलेगा ना, तो उसमें आपको ये गियर पोजीशनिंग इंडिकेटर ही देखने को मिलेगा एक न्यू दिया हुआ। और इसके अलावा और ऐसा कुछ भी फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा। और इसके अलावा भाई पहले ही सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि भाई ये जो RS200 वाला न्यू मॉडल आने वाला है ना, तो उसके अंदर 99.99 चांसेस ऐसा है कि उसका जो लुक है उसमें कोई भी न्यू बदलाव नहीं लाने वाला है बजाज कंपनी। लेकिन उसके अंदर आपको जो कलर्स है ना, मतलब न्यू जनरेशन वाले RS200 के अंदर आपको जो कलर्स देखने को मिलेगा ना, तो वो डेफिनेटली अलग होने वाला है आज के RS200 के मुकाबले। बाकी भाई अगर देखो RS200 के बारे में मैं अगर झूठा बात नहीं करूँ ना, मतलब सही सही अगर बोलूँ आपको, तो उसके भी अंदर आपको पावर में ऐसा कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलने वाला है। मतलब कि इंजन पहले की तरह ही एक सिंगल सिलेंडर वाला लिक्विड कूल इंजन देखने को मिलेगा 200cc वाला, जो कि मैक्सिमम पावर प्रोड्यूस करने वाला है 4.1 BHP। और वो वाला इंजन जो मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस करेगा तो वो 90 Nm का कुछ होने वाला है। और उसके ही साथ 6 स्पीड का गियर बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ऐसा ही है भाई पूरा सीन RS200 वाला। और उसके अलावा पहले आपको मैं बोल दूं कि पहले के तरह ही जो लाइट्स का सेटअप जो देखने को मिलता है ना, मतलब वो हैलोजन वाला जो प्रोजेक्टर लाइट जो दिया गया है, तो वही कुछ देखने को मिलेगा न्यू वाले मॉडल के अंदर भी। तो मतलब ऐसा कुछ भी चेंजेस होंगे नहीं, लेकिन काम का जो कुछ चेंजेस है ना, तो वो कुछ कर देगा बजाज कंपनी, मतलब ऐसा ही कुछ सीन है। तो ये वाला वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट में बोल दो भाई। और अगर ये वाला वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना। और सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप लोग ऐसे ही तरीके का और भी कई सारे कुछ वीडियोस हर दिन देख सकते हो इस वाले चैनल पर। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अगली बार फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।